नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रशांत स्टडी ऑनलाइन में। देखिए दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा जो है लगभग चार फेज की समाप्त हो चुकी है, लगभग समाप्त हो चुकी है और पांचवा फेज अभी होना है। तो इसमें से जो हिसाब किताब निकल के आता है कि आरआरबी एनटीपीसी का कट ऑफ कितना जाएगा और ऐसे कौन कौन से जोन है जो कि अभी रेड जोन में है और ऐसे कौन कौन से जोन है जो कि अभी सेफ जोन में है, इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोग जो है आज थोड़ा सा 5-6 मिनट का ये वीडियो होगा और इस पर थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि क्या हो सकता है, कौन कौन से जोन जो है रेड जोन में है और कौन कौन से जोन जो है सेफ जोन में है। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी 2016 की वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा और 2019 की जो वैकेंसी है इसके बारे में थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि कंपटीशन पर सीट क्या है इसे समझे बिना आप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और YouTube पे जितने भी चैनल्स हैं दोस्तों, वे कभी भी सटीक नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता सटीक कि कटअप क्या रहने वाला है। जिनका भी है वो एक अनुमान है, एक प्रिडिक्टेशन करते हैं वो कि क्या रह सकता है आरआरबी एनटीपीसी 2019 की कटअप। तो इसी के बारे में विचार करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आरआरबी एनटीपीसी 2016 की बात की जाए तो वैकेंसी जो थी वो थी 18,252 और रिवाइज वैकेंसी थी 14,023, जिसे कि घटा दिया गया था बाद में। और एप्लीकेशन की बात की जाए तो 92,56,00 जो है इसमें अपीयर हुए थे। अगर इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो पर सीट कंपटीशन आता है 656 का, यानी 656 का जो है पर सीट कंपटीशन आता है, यानी एक विद्यार्थी पे 656 कैंडिडेट थे। अब देखिए, वही बात की जाए आरआरबी एनटीपीसी 2019 की तो वैकेंसी जो है 35,200 है और एप्लीकेशन की संख्या अगर बोला जाए तो 1,26,30,885 के आसपास एप्लीकेशन आए हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आता है दोस्तों, कि एब्सेंट जो है वो लगभग 40-45% के बीच माना जा रहा है। एक अनुमान है कि 40-45% कैंडिडेट एब्सेंट हो रहे हैं। इनका भी कारण मैं बताऊंगा कि एब्सेंट होने का क्या कारण है। एक तो COVID-19 है ही, और देखिए अगर 40-45% एबसेंट हो रहे हैं तो कंपटीशन ऐसे भी लो हो जाता है, आधा यानी कि 50% कंपटीशन लो ही हो जाता है। और पर सीट कंपटीशन की बात की जाए, अगर इन दोनों को कैलकुलेट किया जाए टोटल वैकेंसी में एप्लीकेशन की संख्या से भाग दिया जाए तो पर सीट कंपटीशन जो आता है हमारा 358 आता है, यानी 358, जो कि पिछले पर सीट कंपटीशन से अगर देखा जाए तो लगभग आधा है, लगभग आधा बोला जा सकता है। तो ये तो बात थी, आप लोगों ने देखा ही होगा ये सब चीज़। अब आगे हम लोग बात करेंगे आखिर क्या कारण रहा जो कि इस बार का जो कटअप है वो लो जाने वाला है और पर सीट कंपटीशन बहुत कम है, क्या कारण है देखिए। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑन कटअप, कटअप पे क्या इफेक्ट, कौन कौन से कारक हैं जिन्होंने कि इस बार के कटअप पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाला है, वो कारक कौन कौन से हैं। वैकेंसी, एक तो वैकेंसी लगभग दोगुनी है, लगभग दोगुनी वैकेंसी इस बार आई हुई है, सबसे पहला कारक तो ये हुआ। दूसरा कारक है COVID-19 के कारण बहुत सारे विद्यार्थी एब्सेंट हो रहे हैं, जाने से डर रहे हैं, कहीं भी यात्रा नहीं करना चाहते हैं। तीसरी बात है लेट एग्जाम, तीसरी बात क्या है कि एग्जाम बहुत लेट हो रहा है, इसके कारण भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है तैयारी अपना छोड़ चुके हैं बीच में ही, ये सब कुछ कारक है। इसके बाद लगभग 45% जो है कैंडिडेट वो एब्सेंट हो रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को अगर मिला के सोचा जाए तो कंपटीशन ऐसे भी लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, पर सीट कंपटीशन तो लो है ही, और इन सभी कारकों पर ध्यान दिया जाए तो पर सीट कंपटीशन के साथ साथ कटअप भी लो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि टॉप 5 सेफ जोन के बारे में। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो हैं जो कि टॉप 5 सेफ है आपके लिए, ठीक है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो आप इन सभी जोन में सिलेक्शन ले सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर इस बार नहीं ले पाए तो फिर कभी नहीं। तो देखिए दोस्तों, टॉप 5 सेफ जोन में जो है वो आता है सबसे पहला जोन सिलीगुड़ी का, उसके बाद जम्मू का, फिर मालदा, मुजफ्फरपुर, इसके बाद गुवाहाटी का। यानी सबसे पहले बात की जाए अगर सिलीगुड़ी की तो सिलीगुड़ी में पर सीट कंपटीशन जो है वो 191 का है। तो दोस्तों पर सीट कंपटीशन की बात अगर सिलीगुड़ी में की जाए तो 191 है, सबसे कम है। और इसी प्रकार जम्मू की बात की जाए तो 227, मालदा की बात की जाए तो 256 पर सीट कंपटीशन है, जो कि 2016 के मुकाबले आधे से भी कम है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो 259, अगर गुवाहाटी की बात की जाए तो 296।
अगर इन सभी को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ देखा जाए, एक प्रिडिक्टिव कट ऑफ निकाला जाए, तो ये जो कट ऑफ होगा सिलीगुड़ी का 60 प्लस रहने वाला है, इससे ज्यादा कट ऑफ रहने वाला नहीं है दोस्तों, ठीक है। इससे ज्यादा कट ऑफ किसी भी हाल में नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर जम्मू की बात की जाए तो 62 प्लस रहने वाला है, मालदा की बात की जाए तो 60 प्लस रहने वाला है, मुजफ्फरपुर की बात की जाए तो 60 प्लस रहने वाला है, गुवाहाटी की बात की जाए तो 65 प्लस रहने वाला है। ये टॉप 5 जोन है। और जो ये कटअप की बात हमने की, ये जनरल का कटअप है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि EWS का कटअप क्या रहने वाला है, STSC का कटअप क्या रहने वाला है, OBC का कटअप क्या रहने वाला है। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि EWS का कटअप जो रहने वाला है वो जनरल के कटअप से हमेशा 10 मार्क्स डाउन ही रहेगा, हमेशा 10 मार्क्स कम होगा। इसका कारण है दोस्तों कि EWS में कंपटीशन बहुत लो है, EWS का जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा लो है, सीट दुगनी है, कंपटीशन लो है। तो इसका इस बार आप विश्वास नहीं करेंगे, EWS का कटअप जो इस बार रहने वाला है वो SC ST के कटअप के लगभग बराबर रहने वाला, बराबर नहीं कर रहा हूं, लगभग बराबर, यानी थोड़ा सा अप हो सकता है EWS का कटअप SC ST के कटअप से, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। इसके बाद अगर OBC के कटअप की बात की जाए तो जनरल के कटअप से आपको 4 मार्क्स से 5 मार्क्स के आसपास आपको क्या करना है, कम करना है, ठीक है। 4 से 5 मार्क्स के आसपास आपको कम करना है, वो आपका OBC का कटअप हो जाएगा। और अगर SC ST की कटअप की बात करूं तो जनरल का जो कटअप होगा उससे 8 मार्क्स आपको नीचे कर देना है, 7 से 8 नंबर नीचे कर देना है, ये आपका हो जाएगा SC ST की कटअप। तो इसके बाद देखिए, ये तो थे टॉप 5 सेफ जोन। अब जो है टॉप 5 डेंजर जोन भी हैं। इन डेंजर जोन के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें निश्चित तौर पे अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आइए देखते हैं कौन कौन से जोन है। भोपाल की बात की जाए, पर सीट कंपटीशन है 593 का। अहमदाबाद की बात की जाए, पर सीट कंपटीशन है 542 का। चंडीगढ़ की बात की जाए तो पर सीट कंपटीशन है 513 का। इसके बाद अजमेर की बात की जाए तो पर सीट कंपटीशन है 506 का। और इसके बाद अगर भुवनेश्वर की बात की जाए तो पर सीट कंपटीशन है 472 का। और इस हिसाब से अगर यहाँ का कटअप देखा जाए तो कटअप भोपाल का जो है वो 80 प्लस जा रहा है। सबसे ज्यादा कटअप अगर किसी जोन का जाएगा तो वो भोपाल का कटअप है। इसके बाद अहमदाबाद की कटअप देखी जाए तो 76 जाने वाला है। चंडीगढ़ की बात की जाए तो 75 के आसपास कटअप जाने वाला है। और अगर अजमेर की बात की जाए तो 72 के आसपास कटअप जाने वाला है। और भुवनेश्वर की बात की जाए तो 67 प्लस के आसपास कटअप जाने वाला है। तो ये थे टॉप 5 डेंजर जोन। अगर आप इन जोन में से किसी भी जोन से फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपको अभी भी, अगर आपका एग्जाम अभी भी नहीं हुआ है तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बाकी मेहनत करने की जरूरत तो टॉप सेफ जोन वाले को भी करने की जरूरत है, ताकि उनका श्योर सक्सेस उनको मिल सके, 100% उसका सिलेक्शन हो सके। और मैंने ये जो जितने भी कटअप बताए हैं ये जनरल का कटअप है। अगर जनरल के कटअप के बाद अगर EWS का कटअप निकालना है तो 10 मार्क्स कम करना है आपको, वो EWS का कटअप इस बार रहने वाला है, ठीक है। OBC का कटअप 4 से 5 मार्क्स आपको कम करना है, SC ST का कटअप लगभग 8 मार्क्स कम करना है। और इस बार दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि EWS का कटअप जो है वो लगभग SC ST के कटअप के बराबर ही जाएगा, थोड़ा सा का अंतर होगा, बराबर नहीं कर सकते, थोड़ा सा का अंतर है, 2-3 मार्क्स का अंतर होगा SC ST के कटअप से। EWS का कटअप 2-3 मार्क्स से ज्यादा जो है अप नहीं होगा, ये हो सकता है इस बार का कटअप। तो ये जितने भी कटअप थे ये एक प्रिडिक्टिव कटअप है, यानी कि एक अनुमान लगाया गया कटअप है। एक एनालिसिस के आधार पर जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी आपके एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वे सभी एक अनुमान लगाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने 100 बोला तो 100 ही होगा, ठीक है। तो इसी अनुसार से हम अंदाजा ही लगा सकते हैं अभी। बाकी 5th फेज का एग्जाम होने के बाद, यानी कि एग्जाम समाप्त होने के बाद, जब पूरी तरह से आपका एब्सेंटी रेट आ जाएगा कि कितने परसेंट लोग जो है एब्सेंट हो रहे हैं, कितने परसेंट लोग एग्जाम दे रहे हैं, पूरी तरह से जब आ जाएगा तो वहां पे लगभग कटअप जो है फिर से बताने की कोशिश मैं आपको करूंगा। तो फिर दोस्तों इसी तरह के एनालिसिस के लिए और रोजाना डेली बेसिस पे जो है नॉलेजेबल वीडियो के लिए, मैथ्स के लिए,
आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर अगर किसी तरह के कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब निश्चित तौर पे देता हूँ, देते आया हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।